बेहतर करना है तो सब चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बदनामी भी सहना पड़ेगा, लोगों को बातों भी सुनना पड़ेगा, ताना भी सहना पड़ेगा, सब कुछ थोड़ा। माता पिता का विश्वास कैसे कायम, रिजल्ट देखकर माता पिता का विश्वास ला सकती हैं कि हाँ मेरे में ये लोग कहते हैं कि भेजेंगे कौन देखने जा रहा है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, तो लोग कहते हैं तो उस विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पापा हम अच्छे हैं, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हम पे विश्वास करिएगा, आप मत सुनिए, अब हम पे विश्वास करिए, हम आपकी बेटी हैं, आपके सिवा कोई दूसरा कोई पहचान ही नहीं सकता है। आज जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ उसकी बेटी क्या थी, वहाँ पे क्या कर रही थी, रिजल्ट से मतलब होना चाहिए बस। देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज एती करना है तो दीदियों सपोर्ट किए हैं तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती जबरदस्ती है, और सिस्टर सब नहीं खोजती है सर, लेकिन हमको इसलिए हम जबरदस्ती मांगते हैं कि नहीं हम किए हैं तो करो, हमको करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, जरूर करेंगे, हमसे बेहतर करेगी। पहले से ही दीदी होम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ती थी, होम ट्यूशन ये होम ट्यूशन पढ़ाएगी, या फिर रूम पे भी पढ़ाती थी, रूम पे बच्चा सब सब अगल बगल के लड़का सब आता था, सब वहाँ पे मतलब हम लोग अपना खर्चा खुद निकालते थे, बस पापा को रूम रेंट देना था, पढ़ाई या तो खाना बनाना, ये दोनों जो भी हाँ वो नहीं हो पाता था। और ये इतना पढ़ती थी कि इसको यहाँ तक कि नहाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत काम टाइम निकाल के, नहाएगी तो कपड़ा नहीं धोएगी, खाना बनाएगी तो ये नहीं करेगी, तो वो सब छोटी छोटी बात हम कर लेते थे। आपने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बरौली की एक ऐसी लड़की है जो पहले कांस्टेबल होती है, उसके बाद वो शिक्षा का दूध पी लेती है, जितना ही पीती है उतना ही दहाड़ती है। अब जिसके जिसके घर में चार बेटियां हो, उस पिता पे और उस माता पे क्या बीता होगा ये भली भांति आप समझते होंगे। और सबसे छोटा बेटा हो तो वो तो उस टेंशन में कि चलो मेरा बेटा छोटा है, कौन घर का खर्चा चलाएगा, चलो बड़ा बेटा रहता है तो कमाएगा तो घर का खर्चा चल जाता है, ये टेंशन एक पिता की रहती है। लेकिन उसी दौर में लड़की मतलब गांव से निकल के, एक छोटा सा शहर से निकल के और ऐसा कर जाती है कि पूरे ज़िले में इसका नाम हो जाता है, पूरे बिहार में इसका चर्चा होने लगता है। बरौली की लड़की है और पूरे ज़िला में नाम कमा रही है, पूरे बिहार में नाम करिए। स्वागत है आपको भी मेरे तरफ से, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे बरौली का नाम आगे ले गए। धन्यवाद। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? फील तो ऐसा लग रहा है कि सब कोई हम ही को ढूंढ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो आज आप लोगों का भी सहयोग बहुत है कि आप लोग इतने कष्ट से यहाँ तक आए हैं। देखिए हम लोग को दिखाने की इसलिए जरूरी है कि आपकी जैसी जो लड़कियाँ है, आप लोग का भी सोच अच्छा है, विचार अच्छा है, तभी तो आप ऐसे न्यूज को दिखा रहे हैं। जरूरी इसलिए है कि आपकी जैसी जो लड़कियाँ वो हिम्मत हार जाती है, चाहे घर पे का करता रहे, गाँव वाले तो अलग ताना मारते हैं कि जवान बेटी के शहर में पढ़ाओ तारे के देखता कि का करता रहे, बहुत सारा बातें चलता है। हाँ इस तो नॉर्मल है, नॉर्मल झेला होगा ये सारी चीजों। हाँ झेले हैं। अच्छा एक चीज आप बता रही थी कि घर के किसी मतलब मम्मी पापा को छोड़ को और लोगों को नहीं पता था कि आप दरोगा का एग्जाम, नहीं ये सरप्राइज रखी थी। हाँ क्योंकि हो जाने के बाद अच्छा लगता है ना, अचानक किसी चीज को आप बताइएगा तो इसके पहले क्या पता होगा कि नहीं होगा, पहले कुछ नहीं बताना चाहिए, हो जाए तो बताइए। ये भाई साहब है, क्या हाल है भैया? बहुत अच्छा है, और इनके वजह से और अच्छा है। आप भाई हो कि बहन, हमको समझ में नहीं है। हम भाई हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप भाई लड़की वाला काम तुम कर रहे थे, पूरा मिठाई बांट रहे थे गांव में घूम। नहीं क्योंकि हमारी बहन जो है मतलब सब मतलब सबको ही बांट चुकी थी, बचा था मेरा ही काम, तो बगल में हमने बांट दिया। देखिए जब इन लोगों ने सुना कि इनकी बहन दरोगा बन गई है, ये बताई नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ा राज है, पता नहीं क्यों नहीं बताई थी। जब मतलब आप लोग सुने तो एकदम उछल गए होंगे, एकदम लग रहा घर हिलने लगा। हाँ भाई, हाँ आपको पता था कि एग्जाम दी है? हमें तो जब इन्होंने वो फिजिकल किया तब हमें पता चला कि क्या दीदी ने किया, ठीक है, और इनको गेट पास मिला तो हमें लगा कि हाँ हो जाएगा, इनका हो जाएगा, क्योंकि और सब में बेस्ट था। हाँ इनका विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंट था कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट। चलिए अच्छा ये बता रही थी आपके बारे में ऑफ कैमरा कि ये आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तो किस प्रकार का सहयोग रहा है ये मतलब पढ़ाई, जब अब पढ़ाई या तो खाना बनाना, ये दोनों जो भी हाँ वो नहीं हो पाता था। और ये इतना पढ़ती थी कि इसको यहाँ तक कि नहाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत काम टाइम निकाल के, नहाएगी तो कपड़ा नहीं धोएगी, खाना बनाएगी तो ये नहीं करेगी, तो वो सब छोटी छोटी बात हम कर लेते थे। बहुत कुछ मतलब झेला है, सैक्रिफाइस किया, क्या क्या
क्योंकि हम लोग गोपालगंज में पढ़ते थे लोग वहाँ पे, तब तक दीदी कंपटीशन, हम ट्वेल्थ कर रहे थे तब तक दीदी कंपटीशन कर रही थी, तो वहाँ पे मतलब पढ़ाई जब स्टार्ट की तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर एथी कर रही थी कि नहीं हमको कंपटीशन करना है, जो क्योंकि इसको मेडिकल में जाना था, तब तक देखी कि नहीं पापा के पास उतना नहीं था, इसीलिए क्या जमीनों में नहीं नहीं तो कही कि नहीं हम जितना में है उतना ही में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक कि स्टार्ट किया। जब पढ़ाई करती थी तो टाइम नहीं मिलता था, और हम है कि 4 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे उसके बाद से हम ही कर देते थे कि तुम ये करो हम कर लेंगे, सब करते गए करते गए, कंस्टेबल की कंस्टेबल के बाद फिर पटना हम लोग दोनों जब गोपालगंज रहती होंगी पैसे कितने लग जाते थे? हम लोग हाँ 3-4 हज़ार लग जाता था उस, तो मतलब उस समय घर से भी ज़्यादा पैसा नहीं मांगना चाहे बाहर नहीं, खाना वगैरह सब नहीं। पहले से ही दीदी होम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ती थी, होम ट्यूशन ये होम ट्यूशन पढ़ाएगी या फिर रूम पे भी पढ़ाती थी, रूम पे बच्चा सब सब अगल बगल के लड़का सब आता था सब वहाँ पे, वो मतलब हम लोग अपना खर्चा खुद निकालते थे, बस पापा को रूम रेंट देना था हाँ, और ये अपना कोचिंग वोचिंग काफ़ी खुद से जमा की थी। तो आपको क्या करना है? हमको भी यही करना, अभी यही करना है। तो दीदियों सपोर्ट करी किए हैं तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा जबरदस्ती जबरदस्ती है, और सिस्टर सब नहीं खोजती है सर, लेकिन हमको इसलिए हम जबरदस्ती मांगते हैं कि नहीं हम किए हैं तो करो, हमको करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? जरूर करेंगे, हमसे बेहतर करेगी क्योंकि हमसे थोड़ा टैलेंटेड है, हमसे बेहतर करेगी। चलिए बड़ी माँ है, आप लोगों को लगता था कि बेटी आँख तो भर गई बजे खुशी का अच्छा लगा था बेटी दरोगा बन गई? हाँ खुशी, बहुत खुशी। मतलब दरोगा दरोगा का देख ले कम लेडीज देख ले भाई आदमी तो सोच ले भाई कि ना हमरो लड़की हो जाओ, आ हो गल तो पूरा हो गए, हाँ तो बहुत खुशी रहुए, बहुत खुशी, बहुत खुशी। आप छोटी बहन? हाँ सबसे छोटी, चारों में से छोटी, हाँ कैसा? बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं लोग, बहन दरोगा भी तो हाँ, और पैसा मिलेगा दीदी को, ज़्यादा मिलेगा, कंस्टेबल में 40,000 में नहीं होता था हाँ। पटना में घुस लेंगी? नहीं घुस नहीं लेगी मन बदनाम है ना भाई, बुरा मत मानिएगा, नहीं ये रियलिटी है ना, वो बदनाम वो अपने जगह पे है, लोग समझते नहीं है, है नहीं लेते नहीं है, वो लेते होंगे कुछ मतलब वजह होगा, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं बोल कि लेते होंगे, वो बदनाम है, ये वाला जॉब है तो आपको सामने दिख जाता है, सिविलियन में आपको नहीं दिखता है क्योंकि वो पास पास हो जाता है तो आपको उस नहीं दिखता। आप लीजिएगा कि नहीं? छोड़िए वो कौन है, वो लीजिएगा नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे कि हमें जितना गवर्नमेंट देती है उतना इनफ, बहुत इनफ। आपको क्या बोलना है? नीट की तैयारी करना है, डॉक्टर साहब। देखिए ये परिवार जो है सब लोग पढ़ा लिखा है और पा टीचर हैं, टीचर रहते हैं और वो वहाँ जाते हैं, अचानक फ़ोन करते हैं कि हम दरोगा बन गए, तो पापा को कैसा फील? पापा कह रहे थे स्क्रीनशॉट भेजो, मतलब सही है कि गलत है हाँ, तो हम स्क्रीनशॉट भेजे तो पापा अपने स्कूल में सबको बताए कि हमारी लड़की ये बन गई है, तो बोले सबको वहीं पर पापा से मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए, अभी खिलाइए, अभी पार्टी दीजिए, तो पापा उस दिन बहुत खुश थे। देखिए खुश क्यों नहीं होगा, कोई भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से मतलब उसकी बेटी जो है अचानक सडनली कॉल करेगी या कहेगी कि हम दरोगा बन गए हैं। पापा को हालांकि ये पता नहीं था, मम्मी को भी पता नहीं था, घर के किसी सदस्य को, जब ये खुशी की लहर गांव वाले और तमाम आसपास के लोगों के बीच आई तो पूरा गाँव झूम उठा, और सबके घर में एक भाई है, लाडला सा भाई है, सबके घरों में मिठाई ले जाके खिलाया है। एक चीज़, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगी वो तमाम लड़कियों जो हार जाती है, थक जाती है? एज भी एक बहुत फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को 18 से 20 में जाते ही लोग शादी कर देते हैं, बहुत सारे लोग तो 17-14 में कर देते हैं। क्या कहना चाहूँगा, क्या मैसेज? हम सबसे पहले लड़कियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको मतलब बेहतर करना है तो सब चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को, बदनामी भी सहना पड़ेगा, लोगों को बातों भी सुनना पड़ेगा, ताना भी सहना पड़ेगा, सब कुछ। थोड़ा माता पिता का विश्वास कैसे कायम? रिजल्ट देखकर माता पिता का विश्वास ला सकती हैं कि हाँ मेरे में ये लोग कहते हैं कि भेजेंगे कौन देखने जा रहा है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, तो लोग कहते हैं तो उस विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पापा हम अच्छे हैं, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हम पे विश्वास करिएगा, आप मत सुनिए, हम पे विश्वास करिए, हम आपकी बेटी हैं, आप के सिवा कोई दूसरा कोई पहचान ही नहीं सकता है। आज जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ उसकी बेटी क्या थी, वहाँ पे क्या कर रही थी, रिजल्ट से मतलब होना चाहिए बस। देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप क्या करते हैं कोई नहीं जानता है, लेकिन आप जब रिजल्ट दे दीजिएगा तो लोग जानने लगेंगे, जैसे आज पूजा को पूरा बरौली जान रहा है, पूरा गोपालगंज जान रहा है, दरोगा बन गई है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। ये स्टोरी उन खास लड़की